हिंदी हमारे दिल की भाषा, हिंदी हमारे रोजगार का जरिया, हिंदी आपस में जुड़ने का एक संपर्क सूत्र, हिंदी एक ऐसी भाषा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे देश को एक धागे में पिरोती है। तो क्या हिंदी को एक ही दिन में समेट पाना मुमकिन है? शायद नहीं, और ना ही हिंदी किसी एक दिन की मोहताज है। लेकिन मेरी शिकायत हम सबसे है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, आखिरकार हिंदुस्तान में रहकर हमें हिंदी दिवस की बधाई क्यों देनी पड़ती है? हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को क्यों मनाना पड़ता है? हिंदी पखवाड़ा हिंदुस्तान में सिर्फ सरकारी कामकाज में ही क्यों अपनाना पड़ता है? क्यों आजादी के इतने साल बाद भी हिंदी को लेकर हम दोहरे मापदंड में जी रहे हैं? क्यों हिंदी को लेकर हमें ये बार बार एहसास होता है कि अपनी इस मातृभाषा के लिए हमने वो काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए? क्या हम लोग इस जंग में पिछड़ रहे हैं? आज हिंदी दिवस के मौके पर मुझे मशहूर कवि हरिशंकर परसाई साहब का एक कलाम याद आता है कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। ये स्थिति है हमारे हिंदुस्तान की, उस हिंदुस्तान की जिसकी मातृभाषा हिंदी है। आज हिंदी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है, वो हिंदी जिसको दुनिया की कुल आबादी के 20% से ज्यादा लोग बोलते हैं, यानी कि दुनिया का 1/5 हिस्सा या फिर हर 5वां इंसान हिंदी को जानने और बोलने वाला है। हिंदी के ऐसे कई शब्द हैं जिसको ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने वैसे के वैसे ही अपने शब्दकोश में शामिल किया है, जैसे विलायती और बंदोबस्त शब्द। हिंदी भाषा का कोई विकल्प है ही नहीं, हिंदी अपने आप में संपूर्ण है और अपने आप में एक गौरवमयी भाषा है। साल 2017 में गूगल KPMG की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी भाषा को इस्तेमाल करने वाले लोग 20 करोड़ 10 लाख होंगे, अंग्रेजी भाषा को इस्तेमाल करने वाले लोग 19 करोड़ 90 लाख होंगे, और मोबाइल फोन और सस्ता इंटरनेट इसकी बहुत बड़ी वजह है, यानी कि इंटरनेट पर 2024 में हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा प्रचलित भाषा होगी। इसमें हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो हिंदी की ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। गूगल और इंटरनेट ये स्पष्ट कर रहा है कि आज से एक साल बाद अंग्रेजी से ज्यादा इस्तेमाल हिंदी का होने वाला है। उसकी एक ही वजह है कि हिंदी भाषा दूसरी भाषाओं को अपने आप में समाहित करने में संकोच नहीं करती, और यही बात हिंदी को लोकप्रिय बनाती है। पर आपको बता दें कि इसमें बहुत बड़ा योगदान सोशल मीडिया का रहा है। अगर मैं बात करूं विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की, तो आज से कुछ साल पहले गूगल पर हिंदी में कुछ भी खोज पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। पर आज वो समय आ गया है कि गूगल तो क्या, एलेक्सा भी आपके प्रश्नों का शुद्ध हिंदी में जवाब देती है। एक और बात आपको बताना चाहूंगा जो कि सोचने वाली है। अंग्रेजी को बहुत से लोग प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, वो सोचते हैं कि अगर प्रतिष्ठित समाज में रहना है तो अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है, जो कि सरासर गलत है। इस बात पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि हृदय की कोई भाषा नहीं, हृदय हृदय से बातचीत करता है, और हिंदी हृदय की भाषा है। तो आज हिंदी दिवस के मौके पर आखिर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम हिंदी दिवस रोज मनाएं, हर रोज हम हिंदी में बात करें, और ये नौबत ही ना आए कि हमें 14 सितंबर का इंतजार करना पड़े। नमस्कार।